पूरे देश के साथ कटिहार जिले में भी कांग्रेस नेताओं के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी कड़ी में मिर्चाई बारी स्थित कांग्रेस नेता सुनील यादव की आवास पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम राजीव गांधी के चित्र पर कांग्रेस नेताओं के द्वारा पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं 2 मिनट मौन भी रखा गया। साथ ही कांग्रेस के नेतागण के द्वारा एवं युवा कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा गरीब असहाय के बीच सूखा राशन भी वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुनील यादव ने कहा कि राजीव गांधी एक अच्छे विचारधारा के व्यक्ति थे। आज अगर वह जीवित होते तो देश की दशा और दिशा कुछ अलग होती। दूरसंचार, जिससे लोग आज यहां रहकर दूर अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, यह उन्हीं की देन है। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद लोगों ने एक अच्छे नेता को खो दिया। उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हाँ, आज भारत देश के महान नेता, जिन्होंने देश के लिए क्या क्या नहीं दिया, इन्हीं का दिन है। जो आज टेक्नोलॉजी में इतना देश आगे बढ़ा, आज हमारे बीच स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो देश को एक कीर्तिमान करने का काम किया, वो जुग जुग ये भूलने की चीज़ नहीं है। जिस तरह से उनकी हत्या हुई, ये बहुत ही दुखदायी था। पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी रोने का काम किया। आज उन्हीं का दिन है, जो आज टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ा। आज चाहे मोबाइल की दुनिया में हो, चाहे टीवी चैनल की दुनिया में हो, आज लोग वाहवाही कर रहा है, लेकिन जो भी देन है वो हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है।